बीते 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। देश के तमाम बैंकों में इनकी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में 500 रुपए के नोटों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। 2000 के नोटों को बदलने के लिए दी गई 30 सितंबर की मियाद पूरी होने से पहले ही केंद्रीय बैंक के सामने 500 रुपए के नोटों से जुड़ी ये मुश्किल सामने आ गई है। दरअसल 2000 रुपए के गुलाबी नोट बंद होने के बाद अब देश में सबसे बड़ा ये करेंसी नोट रिजर्व बैंक के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनते जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो 500 के नकली नोट की घुसपैठ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2022-23 में 500 रुपए के करीब 91,110 नकली नोट पकड़े गए, 2021-22 के मुकाबले में 14.6% ज्यादा है। 2020-21 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए, जबकि 2021-22 में 76,669 के नकली नोट पकड़े गए। 500 और 2000 रुपए के नोटों के अलावा 100, 50, 20, 10 रुपए के भी नकली नोट पकड़े गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या 2,25,769 रही, जबकि पिछले साल 2,30,971 के नकली नोट मिले। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में 10 रुपए और 500 रुपए के नोट मौजूद हैं। ऐसे में 500 रुपए के नकली नोटों को सिस्टम से साफ करना आरबीआई की बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।